सिंहवाड़ा प्रखंड में सरपंच संघ के अध्यक्ष रमेश सैनी की अध्यक्षता में प्रखंड परिषद में बैठक का आयोजन किया गया। जी हां, रमेश सैनी दरभंगा जिला के सिंहवाड़ा प्रखंड परिषद में सरपंच संघ अध्यक्ष रमेश सैनी की अध्यक्षता में प्रखंड के सभी सरपंच के साथ बैठक का आयोजन किया गया। वही बैठक में शामिल सरपंच को सर्व सम्मानित से सरपंच संघ अध्यक्ष रमेश सैनी के पास अपनी बातों को रखा। आगे सभा में मौजूद सरपंच के साथ संघ अध्यक्ष को बताया कि पंचायती राज मंत्री बिहार सरकार के द्वारा जानकारी दी गई थी कि सरपंच को न्याय के साथ साथ विकास से भी जोड़ा जाए, किंतु 7 महीने होने के बावजूद सरकार के द्वारा इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। अतः सरपंच संघ अध्यक्ष से अपेक्षा है कि हमारी बातों को संज्ञान में लेते हुए पंचायती राज मंत्री बिहार सरकार तक हमारी बातों को पहुंचाने का काम करे। वही आगे सभी को संबोधित करते हुए सरपंच संघ अध्यक्ष रमेश सैनी ने बताया कि हमारे समाज में अभी भी न्यायिक प्रक्रिया में काफी सारी त्रुटियां हैं, जिन्हें ठीक करना हमारी प्राथमिकता होगी। आज भी हमारे समाज के आम आदमी न्यायिक प्रक्रिया को ठीक से न समझने के कारण थाना एवं कोर्ट के चक्कर में परेशान रहते हैं। अतः उपस्थित सभी सरपंच से हमारा निवेदन होगा कि यदि अपनी पंचायत की समस्या को पंचायत में ही निपटाने का काम करें, उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई हो रही है तो अपनी बात हमारे पास रख सकते हैं और हमारी ओर से यथासंभव प्रयास किया जाएगा। वही इस बैठक में विनोद झा, उदित नारायण मिश्रा, सुनैना देवी, अंजलि चौधरी, जमील अहमद के अलावा अनेकों गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। जी सरपंच साहब, किस तरह की बैठक का आयोजन किया गया था? आज हमारे सिंहवाड़ा के जितने भी सरपंच साहब थे उनका जो है बैठक किए। किन मुद्दों पर चर्चा हुई? मुद्दा खास करके हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि थे वो खास करके अपना अधिकार, जो कि बिहार सरकार का जो मंत्री है पंचायती राज के, वो पंचायती चुनाव से पहले वादा किए थे कि सरपंच का जो अधिकार है न्याय के साथ विकास से जोड़ा जाएगा। ये हम लोग का अहम मुद्दा था और सभी सरपंच साहब ने रूबरू इससे जो है हमें कराए कि अध्यक्ष साहब, जो सरकार वादा किया इस मुद्दे को जो है लेके आप आगे बढ़े। क्या नाम है आपका? जी रमेश सहनी, बनोली सरपंच और सिंहवाड़ा सरपंच संघ अध्यक्ष।